बारमे मुनावा रेल मार्ग पर स्थित खड़ी रेलवे स्टेशन धोरो में कहीं दफन हो गया है। 40 फीट ऊंचे टीले के नीचे पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खोखसा हो गया है। रेलवे स्टेशन का पूरा भवन और आवास दबे हुए हैं। यही वजह है कि अब खड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलों का ठहराव भी नहीं हो रहा। रामसर से गोकुल सियोल की रिपोर्ट। आजाद से पहले जोधपुर और कराची की आबादी रहने खड़ी रेलवे स्टेशन की अब इस कदर दुर्दशा हो गई है कि लोग भी धीरे धीरे खड़ी रेलवे स्टेशन का नाम भूलने लगे हैं। खड़ी रेलवे स्टेशन भवन जमींदोज हो रहा है। हालत यह है कि दूर से तो रेलवे स्टेशन का भवन नजर ही नहीं आता, पास जाने पर भी ऐसा लगता है कि यह रेलवे स्टेशन धोरों में दफन हो गया है। बाड़मेर मुनाबाव रेल मार्ग पर बना खड़ी रेलवे स्टेशन दुर्दशा और अनदेखी का शिकार है। 40 फीट ऊंचे टीले के नीचे पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन दफन हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। रेलवे स्टेशन भवन की 15 फीट ऊंचा है, लेकिन रेत के टीले में यह रेलवे स्टेशन जमींदोज हो गया है। इसका पूरा भवन और आवास रेत में दब गए हैं। बाड़मेर से मुनाबाव रेलवे मार्ग पर बसे खड़ीन गाँव में यह रेलवे स्टेशन आज़ादी से पहले बनाया गया था। भारत पाक बंटवारे से पहले यहाँ से जोधपुर से कराची तक ट्रेन भी जाया जाया करती थी। आज़ादी के बाद यह रेलवे स्टेशन बंद हो गया। दोबारा यहाँ एकमात्र पैसेंजर ट्रेन चली और वह भी बाड़मेर से मुनाबाव तक। यात्री कम मिलने से धीरे धीरे रेलवे स्टेशन दुर्दशा का शिकार होना शुरू हो गया। स्टेशन का दौरों में दफन रेलवे स्टेशन, जो कभी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, आज पूरी सरकारी संपत्ति दौरों में दफन है। अब यहाँ पर ट्रेन का ठहराव भी नहीं है। यहाँ के वासिंदों को रामसर या भाचबर जाकर ट्रेन पकड़नी होती है। लाखों रुपए की लागत से बना खड़ी रेलवे स्टेशन अनदेखी का शिकार है। यात्री भार कम होने के कारण फिलहाल यहाँ किसी भी रेल का ठहराव नहीं हो रहा है। खड़ीन तथा आसपास के गांवों के वासिंदों की मांग है कि खड़ीन स्टेशन पर रेल का ठहराव हो, ताकि लोगों को फायदा मिल सके।